आखिर जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो ये कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जिन लोगों ने गुरुजनों को देखा, आत्मा लोक को देखा, क्या उन्होंने कभी ईश्वर को भी देखा? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सब लोग अपने अपने धर्म बना के बैठे हैं और अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने भगवान बना के बैठे हैं। इस दौरान कुछ लोगों से ये प्रश्न पूछा गया कि क्या वो लोग आत्मा लोक में जो उनका उद्गम का स्थान है उसके विषय में कुछ अनुभव करते हैं। जो बहुत उच्च स्तरीय आत्माएं थी, चौथे या पांचवें स्तर की विकसित आत्माएं जिन्हें आप कह सकते हैं, उन्हें जो अनुभूतियां हुई हैं, क्योंकि सबको ये अनुभूति नहीं हुई है, कुछ एक आत्माएं हैं जिनको हुई हैं, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि एक बैंगनी कलर की बहुत बहुत दिव्य, बहुत शांत ऊर्जा। ईश्वर को कोई आकृति देकर किसी ने नहीं बताया कि इस आकृति को हमने देखा, लेकिन आभास को बयां किया है, आभास हमें हुए। गुरुजन सभा में बहुत लोगों को इस तरह के आभास हुए, वो लेकिन वो सभी विकसित आत्माएं थी जिन्हें ये आभास हुए, और उन्होंने एक बैंगनी बहुत बहुत शांत और दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया। ये जो गुरुजन सभा होती है, यहीं पर जो इस धरती पर पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, इन आत्माओं ने इन गुरुजनों से भी ऊंचे दर्जे के एक वरिष्ठ प्राणी को उसको देखा नहीं, लेकिन उसका अनुभव किया। मैंने पहले भी बताया था कि एक गुरुजन सभा जो होती है, यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार टेबल के समान होती है जिसके पीछे गुरुजन होते हैं, और उनके ऊपर और उनके पीछे इस आभास को पाया गया, और इस सुंदर आभास से हमारे गुरुजन भी स्पष्ट वाकिफ होते हैं, वो भी इस अनुभूति को प्राप्त कर रहे होते हैं। और इस जो ये अनुभूति है, इस फीलिंग को नाम दिया गया ईश्वर का सानिध्य। एक बहुत खूबसूरत बात जो इस रिसर्च में निकल के सामने आई, अधिकतर लोगों ने ये बात बोली जो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के, कि हम ईश्वर के उतने ही करीब हैं जितना कि हम समझते हैं। अगर आप ये मान के जीवन जी रहे हैं कि ईश्वर आपके अंग संग है, तो वो परम ऊर्जा आपके अंग संग है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो ऊर्जा अगर आपके अंदर ये भावना, मतलब ये चाहत नहीं, चाहत नहीं, चाहत नहीं, आप ये मानते हैं, आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो परम ऊर्जा मेरे अंग संग है, तो वो है। यहाँ पे बात शब्दों में कहने की या मैं ऐसा चाहता हूं कहने की नहीं है कि हम चाहते हैं ईश्वर हमारे साथ रहें, या हम सिर्फ जुबानी कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे अंग संग है, लेकिन हम ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, तब नहीं। और जो बहुत ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, चौथे या पांचवें स्तर की आत्माएं जो धरती पर जन्म ले रही हैं, लेकिन अब वो अपने अंत के निकट है, अर्थात वो इस धरती पर जन्म लेने की अपनी अवधि के समाप्ति की ओर है, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आत्माएं पांचवें स्तर तक पहुंच जाती हैं वो तो एकदम नगण्य के बराबर है जो इस धरती पर जन्म ले रही हैं, चौथे स्तर की भी बहुत कम है। तो ये अनुभूतियां सिर्फ उन्हें ही हुई हैं जो चौथे या पांचवें स्तर की आत्माएं हैं, क्योंकि वो इस धरती पर जन्म लेने की अपनी बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर है। और कुछ व्यक्तियों ने ये कहा कि ये ईश्वर का सानिध्य नहीं है, ये है जो देवत्व आत्माएं हैं, जो हमारे गुरुजनों से भी ऊंची आत्माएं हैं, जिनकी क्षमताएं हमारे गुरुजनों से भी सर्वश्रेष्ठ है, उनकी जो उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति ये जो गुरुजन सभा होती है इसमें बहुत सहायता करती है, और इसी को हम ईश्वर सानिध्य समझ रहे हैं। मतलब कि एक हमारे मार्गदर्शक, उनसे भी ऊंचे स्तर के हमारे गुरुजन, और उससे भी ऊंचे स्तर की वो बैंगनी ऊर्जा वाली सुंदर आभा। कुछ ने इसे ईश्वरीय सानिध्य का नाम दिया है, और कुछ ने ये कहा कि ये ईश्वर सानिध्य नहीं है, लेकिन ये हमारे गुरुजनों से भी ऊपर की कोई सत्ता है, बहुत ब्यूटीफुल सत्ता है, ये उसका आभास है। अब इस चीज को भी समझना होगा कि आत्मा को उसके स्तर के मुताबिक अलग अलग फीलिंग्स होती हैं।
तो ये जो फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, ये चौथे और पांचवें स्तर की आत्माओं के एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि चौथे और पांचवें स्तर की आत्माएं थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिस्क्राइब कर रही हों उस ऊर्जा को, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं कई वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आत्मा अपने स्तर के मुताबिक ही उस मृत्यु के बाद की दुनिया को देख पाती है। उच्च स्तरीय आत्माओं की अनुभूतियाँ कुछ बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो जो बहुत दिव्य सत्ता है, ये उस गुरुजन सभा में उपस्थित होके उसकी जो कार्रवाई है उसमें सहायता प्रदान कर रही होती है। यहाँ पे एक और बहुत विशेष बात है कि विशेष तौर पर ये जो उच्चतम सत्ता है, ये जो दिव्य अनुभूति है, इसके लिए जो भी व्यक्ति ने इनका एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ईश्वर से मेरा मतलब है हम ईश्वर की अपनी अपनी एक आकृति बना के बैठे हुए हैं, इसलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है उन विकसित स्तर की आत्माओं ने। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम पावर, परमात्मा या हमारा उद्गम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो एक्सपीरियंस है ये देखने के लिए नहीं है, देखने वाली बात नहीं, बल्कि ये महसूस करने वाली भावनाएं अधिक रही हैं। यहाँ पे जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुए, उन्होंने देखने का जिक्र नहीं किया, उन्होंने उस आभास को महसूस करने का जिक्र किया है। अब मैं आपको एक माध्यम ने, जिसने इस ईश्वरीय सानिध्य की सुंदर अनुभूति को महसूस किया है, उसी के एग्जैक्ट वर्ड बताने जा रही हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वास्तव में उस परम ऊर्जा को देख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। वैसे तो ये हमारे गुरुजनों की सहायता के लिए है, लेकिन ये मेरे लिए है। ये शब्द उस आत्मा ने क्यों कहे? ये शब्द उसने इसलिए कहे क्योंकि वो परम ऊर्जा गुरुजनों की सहायता कर रही है, लेकिन वो कार्य तो उस विशेष आत्मा के लिए कर रही है ना, वो सभा। इसलिए उस व्यक्ति को ये फील हुआ कि ये मेरे लिए है, ये परम ऊर्जा मेरे लिए है। और उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं और ये परम ऊर्जा, हम दोनों के बीच में कोई है, यानी ये जो गुरुजन है ये हम दोनों के बीच में नहीं है, ये बीच में मध्यस्थ नहीं है, सीधा रिलेशन है मेरा और उस परम ऊर्जा का। कितना खूबसूरत एहसास है, कितना खूबसूरत एहसास है। ये हमारा भी रिश्ता है, सीधा रिश्ता है हमारे हमारे ईश्वर से, बीच में कोई नहीं, कोई नहीं। इस चीज को मैंने तहे दिल से महसूस किया है, इसीलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये बात कही है कि मैं अब किसी धार्मिक संस्था से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं किसी धर्म में बिलीव नहीं करती हूँ, अब मेरा कोई गुरु नहीं है। लेकिन मैंने अपना गुरु, अपने उस इस प्रकृति को, अपने मार्गदर्शक को अपना गुरु बनाया हुआ है। और यहीं पर ये बात कई, मतलब मुझे, मेरे दिल को छुई है ये बात। मैंने ये चीज़ महसूस करी कि सचमुच ईश्वर और हमारा सीधा कनेक्शन है, बीच में कोई नहीं है। जो लोग आपको ईश्वर से मिलवाने का दावा करते हैं ना, उन लोगों को निकाल दीजिए बीच में से, निकाल दीजिए। वो आपके पिता हैं, आपका और उनका सीधा रिश्ता है, कोई नहीं मिलवा सकता आपको आपके पिता से, आप हैं ही उनके साथ। मैं इसी विषय को अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे, आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो ये कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जिन लोगों ने गुरुजनों को देखा, आत्मा लोक को देखा, क्या उन्होंने कभी ईश्वर को भी देखा? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सब लोग अपने अपने धर्म बना के बैठे हैं, और अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने भगवान बना के बैठे हैं। इस दौरान कुछ लोगों से ये प्रश्न पूछा गया कि
क्या वो लोग लोग आत्मा लोक आत्मा लोक में में जो जो उनका उनका उद्गम उद्गम का का स्थान स्थान है है उसके उसके विषय विषय में में कुछ कुछ अनुभव अनुभव करते करते हैं? हैं?